2019 में जब कनाडा में आया था, आते ही जो मैंने सबसे पहले चीज़ नोटिस की थी वो थी बहुत ही हाई प्राइसेस। हर चीज़ को डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करके देखता था। एक बर्गर $7, मतलब 350 रुपये का, इतना महंगा। भूख लगती है यार, खाना तो खाना था, खाना बनाना आता नहीं था। तो यही चीज़ को मैं थोड़े दिन पहले रिकॉल कर रहा था और मेरे माइंड में आया कि यार क्यों ना इस चीज़ पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया था फिगर आउट करने में कि कौन सा फूड सेम रेस्टोरेंट में सस्ता मिलता था जहाँ पे मैं एक महंगी ऑप्शन चूज़ करता था किसी टाइम पे, क्योंकि मेरे को पता नहीं था वो भी वहाँ पे सस्ती है, बट मेन्यू के अंदर कहीं छुपी हुई, ढूंढना पड़े। तो मेरा नाम है मैक्स साइज लाइफ एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के नाम लूँगा, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगा जो सस्ते आपको मिल सकते हैं। देसी रेस्टोरेंट के बारे में बताऊँगा, वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। बात को स्टार्ट कर देते हैं मैकडॉनल्ड्स से। मैकडॉनल्ड्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो यहाँ पर बहुत फेमस है और आप घर से बाहर निकलते हो सबसे पहले आपको मैकडॉनल्ड्स ही नज़र आता है। मैं तभी रह रहा था कहीं पे, मैं घर से बाहर निकला, सबसे पहले मेरे को मैकडॉनल्ड्स ही नज़र आया। मैकडॉनल्ड्स पे गया, जाके मैंने जो पहली ज़िंदगी की वहाँ पे मील खाई थी वो थी एक एग बर्गर मील। नोट कॉट मी ऑन दैट, अब सबकी अपनी चॉइस है राइट, तो मैं खाता था। मैंने खाई थी एग बर्गर मील दोस्तों, एग बर्गर मील आई थी मेरी $11 की। और मुझे पता है कि मैंने $11 कैसे दिए थे, मतलब $11 का सीधा एग बर्गर मील यार, 110 रुपये, ऐसे एक सीधा कंपेरिजन, 110 कहाँ, 600 कहाँ, नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर धीरे धीरे पता लगा मैकडॉनल्ड्स के प्राइस मेन्यू के अंदर ही एक जूनियर चिकन मील भी आती है जो सिर्फ $5.65 की थी उस टाइम पे, टैक्स डाल के अभी $6.02 की हो गया, विच इज़ वेरी वेरी चीप एज कम्पेयर टू अदर मैक चिकन और ऐसी मील्स के कंपेरेटिव यहाँ अंदर। अभी वो जूनियर चिकन मील को बहुत छोटा सा लिखा हुआ होता है, तो मेरे को लिटरली तब नज़र नहीं आ रहा था कि हाँ ऐसी भी कोई ऑप्शन है। जो ऑप्शन जो आपको मैकडॉनल्ड्स में मिल सकती है वो है मैक चिकन मफिन। तो अगर आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे जाते हो तब भी आप $5-6 के अंदर अंदर एक अच्छी मील खा सकते हो। इंडिया में क्या होता है, हम इंडिविजुअल जैसे आलू टिक्की बर्गर खा लिया ₹25 का, ठीक है समझ आता है, गुड टू गो हो जाता था। यहाँ पे क्या है, अगर आपने कुछ भी लेना है मैकडॉनल्ड्स से, बर्गर किंग से, KFC वगैरह से, फिर हार्वेस से, हमेशा मील लेनी, क्योंकि मील जो होती है वो यहाँ पे वैल्यू वाली चीज़ होती है। नंबर वन, ड्रिंक जितनी बार मर्जी रिफिल कर लो। नंबर टू, उसके अंदर आपको फ्राइज़ मिलती है जिससे आपका पेट भरता है। ये तो एक कॉमन एडवाइस है, कहीं भी आपने किसी फ्रेंचाइजी पे इस जगह पे जाना हो, ऑलवेज गो फॉर मील एक्सेप्ट सबवे। सबवे मील से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है समटाइम्स, और वेजिटेरियंस को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बर्गर किंग ने अभी रिसेंटली एक प्लांट बेस्ड बर्गर मील लॉन्च की है, प्लांट बेस्ड बर्गर है, इसका नाम है इम्पॉसिबल वूपर। इसकी मील मिलती है दोस्तों, इसकी मील जो आपको $9 से $10 के बीच में मिलेगी, पर अभी सुनो, अभी आप बोलोगे कि $9 तो ज़्यादा है, पर इसकी जो पैटी होती है वो 250 ग्राम की होती है, विच इज़ रियली सेटिस्फाइंग। और साथ में आपको फ्राइज वाइज मिलती है, आपका एक टाइम का अच्छा खाना रहता है, आपको ज़रूरत नहीं उसके बाद 4-6-7 घंटे कुछ भी खाने की। बर्गर किंग ही सिर्फ अकेली ऑप्शन नहीं है, हार्वीज पे भी आपको प्लांट बेस्ड बर्गर और वेजिटेरियन बर्गर दोनों के दोनों बर्गर मिल जाएंगे, और वो भी ज़्यादा महंगे नहीं है, उसकी भी एक अच्छी खासी वैल्यू फॉर डीलर। बेसिकली $10 के अंदर अंदर यू विल फाइंड सम रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेटिस्फाइंग पेट भरने वाले खाने ऐसी फ्रेंचाइजीज के ऊपर। वहाँ पे आपको मील्स इस तरह से डिज़ाइन होती है कि वो बेसिकली इकोनॉमिक्स और पेट दोनों को फिट करें। दोस्तों सस्ते फूड की बात करें और टिम हॉर्टन्स का नाम ना लें, हो ही नहीं सकता। टिम हॉर्टन्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो आपको $2 से कम के प्राइस के अंदर आज की रेट में भी कनाडा में कॉफ़ी दे रहा है, और वो भी अच्छी खासी बड़ी वाली। कॉफ़ी मेरा मेन कंसर्न नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है टिम हॉर्टन जो पोटैटो वेजिस देता है। अब टिम हॉर्टन्स का बाकी मेन्यू देखोगे तो अच्छे 6-6, 7-7, $8 के सिर्फ वही है, एक मतलब मील नहीं पूरी है, एक सिर्फ वही रैप वैप ऐसा ही है कुछ। पर अगर आप लेते हो वहाँ से पोटैटो वेजिस, वो $2 समथिंग के अंदर अंदर आपको एक अच्छा प्रॉपर एक बॉक्स देते हैं जिसमें पोटैटो वेजिस होती हैं, और वो पोटैटो वेजिस ट्रस्ट में पेट भरती हैं और टेस्टी भी होती हैं एट द सेम टाइम। कैचअप है जब लो साथ में खाओ, एक कॉफ़ी ले लो, एक कॉफ़ी को एक पोटैटो वेजिस के साथ पेयर कर लिया, $4 के आसपास $5 का बिल आया, और आपका एक अच्छा खासा गुड टू गो फूड हो गया उसका। दोस्तों ये तो बहुत बात हो गई फ्रेंचाइजीज की, आई थिंक उसके बारे में मैं जो बोलना चाहता आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं देसी रेस्टोरेंट्स की। अब देखो फ्रेंचाइजी जो मैंने आपको बताया वो थ्रू आउट कैनेडा आपको मिल जाएंगी, बट देसी रेस्टोरेंट जो है वो जो मैं बताऊंगा वो आपको हो सकता है जिस रीजन में आप जाओ वो ना मिले। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी और बहुत ही भयंकर अच्छी वाली टिप देता हूँ। दो तरह के देसी रेस्टोरेंट होते हैं, एक तो होते हैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जिनके पास LLBO का लाइसेंस भी होता है और ड्रिंक्स भी सर्व करते हैं, और वैसे भी इन जनरल लाइक उनका बेसिक धंधा क्या होता है, फाइन डाइनिंग चलाना और पैटियो चलाना, और वो लोग बेसिकली डाइनिंग्स को होस्ट करना चाहते हैं। दूसरे देसी रेस्टोरेंट जो होते हैं वो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक प्लाजा में एक जैसे दुकान होती है ऐसा रेस्टोरेंट है, उस टाइप के जो रेस्टोरेंट हैं उसके अंदर जाओगे आप, 2-3 टेबल लगे होते हैं मैक्सिमम, वो रेस्टोरेंट जो है वो बहुत सस्ता खाना ऑफर कर देते हैं।
एक एग्जांपल दो दे दूंगा, एक बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। वैसे भी मेरे को ये कमेंट आया, मतलब ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, एक बार किसी बंदे ने बोला था मेरे को अच्छा नहीं लगा, अभी तक मैंने कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं की है, और उस बंदे ने बोला कि पेड कॉलेज रिव्यू ऐसा कुछ, तो वो बहुत बुरा, ऐसे मैं क्यों करूँगा यार गाइस। इट्स अ रीज़न वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज, आई विल टेल यू गाइस लेटर। मेन मुद्दे पे आते हैं। नंबर वन मिर्ची ढाबा, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट। नंबर टू बंगाली स्वीट्स, ये दोनों मेरे एरिया के आसपास हैं, यहाँ से मैं खाना मंगवाता था दोस्तों। आई थिंक $6-7 के आसपास छोले भटूरे, $6-7 के आसपास आपका अमृतसरी नान, और अच्छा खासा क्वांटिटी पेट भरने वाली, ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। $8-9 की इंडियन थाली, और यही अगर आप जाओ किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट पे, अभी नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर वो नाम बदनाम करने वाली बात हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको एक सिंगल सब्जी $10-11 की मिलती है। फिर हम बोलते हैं कि ये महंगा है कैनेडा। काम से घर आते आते वीडियो पूरी बन चुकी है, आई थिंक जो मैं बोलना चाहता सबको समझ भी आ चुका है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, और हाँ थोड़े से वार्म कपड़े ले आना, ठंड होनी शुरू हो गई है कैनेडा में, बीमार बीमार हो जाओगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।